भरतपुर से। भरतपुर में सुजान गंगा नहर में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। किसी समय भरतपुर शहर की जीवनदायिनी रही सुजान गंगा नहर अब जीवन से हताश लोगों के लिए सुसाइड का पॉइंट बन चुकी है। आए दिन यहां लोग अपनी जिंदगी से हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। सोमवार को भी सुबह सुजान गंगा नहर के पास से जा रहे लोगों ने नहर में एक शव तैरता देखा, जिस पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने शव की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिस पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को एसटीआरएफ टीम की मदद से नहर से निकलवाया। शव की पहचान नमक कटरा निवासी राजकुमार पुत्र देवो के रूप में हुई है। राजकुमार पिछले दो दिनों से घर से लापता था, जिसकी गुमशुदा होने की उनके परिजनों के द्वारा कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। राजकुमार कचौड़ी की दुकान पर कार्य करता था, वहीं शाम को चाउमीन व अंडे का कार्य करता था। उसके परिजन उसे सब जगह ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्हें सुजान गंगा में शव मिलने की सूचना मिली, वे सुजान गंगा नहर में पहुंच गए। वहां उन्होंने मृतक के चाचा के लड़के ने शव की शिनाख्त राजकुमार के रूप में की। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल मोचरी में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटना के अनुसंधान में जुटी हुई है। सूचना मिली कि सुजान गंगा नहर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर मनी एसआई थाना से रवाना होकर सुजान गंगा नहर आया। डेड बॉडी को देखकर हालात श्रीमान साहब को अर्ज किए गए और पुलिस लाइन से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। एसडीआरएफ टीम की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकलवाया गया, जिसकी शनाख्त उसके चाचा के लड़के ने की, जिसका नाम राजकुमार सनोप देवो, उम्र 22 साल, जाति प्रजापत निवासी नमक कटरा प्रजापत मोहल्ला थाना कोतवाली का होना पाया गया, जिसकी डेड बॉडी को निकलवाकर आरबीएम में पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।